Good morning. I am Jaywin, Professor, Major SS Kangaroo of Economy. Today we will discuss on practical crop production. First, kharif. Exercise preparing of balance sheet, including the cost of cultivation and net returns of kharif crop. ये होती क्या है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सोइंग से लेके फील्ड प्रिपरेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक जितने भी ऑपरेशंस हैं उन पे जितना खर्चा होता है फार्मर सोइंग फील्ड प्रिपरेशन से लेके वीड कंट्रोल और आपके इरिगेशन पे सीड बेड प्रिपरेशन पे सोइंग पे वाचन वार्ड पे और आपके इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल के लिए और जो उसकी थ्रेसिंग करता है फिर उसको थ्रेसिंग फ्लोर पे लाता है सारी शुरू से लेकर आखिर तक का जो भी खर्चा है उसको कटिंग करके और जो उसको इनकम होती है जैसे सीड से या ग्रेन से इनकम होती है एक तो एक फोडर से या चारे की जो इनकम होती है उसको चारे की और जो ग्रेन की जैसे ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप अगर शुगर क्रॉप है तो उसकी जो जूस है उसकी वो यील्ड है और अगर ग्रेन क्रॉप पल्स क्रॉप है तो ग्रेन की तो है ही है तो ग्रेन की थोड़ी कम आएगी इनकम इन सब को जोड़ के फोडर की और तरह की जो यील्ड है उसको जोड़ लीजिए और जो इनपुट में सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग जितने ऑपरेशन किए हैं आपने उन सबका जोड़ लीजिए जो नेट इनकम है जो आपकी यील्ड है उससे जो एक्सपेंडिचर है सोइंग से हार्वेस्टिंग उसको माइनस करने से आपका नेट रिटर्न या नेट प्रॉफिट आता है। अब जैसे अलग अलग क्रॉप्स के अलग 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 मेथड्स हैं फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट्स इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करते हैं पहला फील्ड प्रिपरेशन और सीड बेड प्रिपरेशन मेज जैसे मेज है सोर्गम है क्लस्टर बीन है पर्ल मिलेट है और ग्रीन ग्राम है अभी इस जोन की जोन थर्ड ए है अपना जोन थर्ड ए में ये अपना इंस्टीट्यूशन आता है यहाँ जो मेजर क्रॉप्स है उन्हीं के बारे में आपको बैलेंस शीट और ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालनी है और जो ध्यान रहे ऑपरेशन सारा टच करना है लेकिन कॉस्ट में वेरिएशन आ सकता है क्यों कहीं कौन सा वैरायटी लिए कितना किसी नहीं ऑपरेशन छोड़ना नहीं है रिजल्ट एक नहीं आएंगे रिजल्ट वेरिएशन कर सकते हैं जैसे फर्स्ट है सीड बेड प्रिपरेशन और फील्ड प्रिपरेशन मेज में अप्रोक्सीमेटली सारा वन हेक्टर ये पर हेक्टर निकाल रहे हैं अपन पर हेक्टर जो कॉस्ट है खर्चा जितना आता है मेज का डिस्कस कर लेते हैं पहले मेज में 400 फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर जिसमें इंक्लूडिंग FYM ये 600 रुपये पर हेक्टर खर्चा आएगा तीसरा यूरिया एक बेग बहुत होता है पर हेक्टर तो आपकी उसमें उसकी दो तीन जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है कितनी आपकी रिकमेंडेड डोज है उसके हिसाब से खर्चा आता है और ये डिपेंड करता है सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ द सॉइल तो ये करीब अप्रोक्सीमेटली 600 रुपीज हमने इसमें ऐड किया फिर SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट ये भी 50 किलो का बैग इसको भी हमने 600 दिया है ये प्लस माइनस हो सकता है 400 से 600 के बीच में और फिर है म्यूरेट ऑफ पोटास ये हमने 200 से 250 रुपये तक कर सकते हो आप इसको कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन इस फर्टिलाइजर को फील्ड में अप्लाई करने के लिए सॉइल में मिक्स करने के लिए कितना खर्चा आता है वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन कह रहा था वो लगभग 50 रुपये पर एकड़ फिर सीड एंड सोइंग ऑफ द सीड इसमें सीड की कॉस्ट और सोइंग से सोइंग कर रहे हो उसकी कॉस्ट शामिल है तो ये अप्रोक्सीमेटली 450 रुपीज आएगा और कॉस्ट ऑफ सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग कल्टीवेटर से सोइंग करते हैं तो ये करीब अप्रोक्सीमेटली 250 या 300 तक आती है इरिगेशन कॉस्ट इरिगेशन इसमें लेबर चार्ज भी होगा शामिल अगर रेनफेड है टोटली तो इसकी कोई फिर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और अगर आपने इरिगेशन दी है क्रिटिकल स्टेज पे आपको तो इसको शामिल करेंगे और इसमें 200
200 या 250 रुपए जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। फिर इंटरकल्चर ऑपरेशन और बीडिंग ऑइन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटरकल्चर टाइमली वीड कंट्रोल इज मस्ट। वीड सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस में भी शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स में भी शेयर करते हैं, मॉइस्चर में भी शेयर करते हैं, सनलाइट में भी शेयर करते हैं। इसलिए टाइमली वीड कंट्रोल इज वेरी इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल स्टेज इन ऑल जनरल खरीफ क्रॉप्स की 25 से 35 to 35 days of sowing, days after sowing आती है in general, और plus minus 5-10 दिन variation करती है। उस stage पर अगर हमने weed control को कर लिया है तो आपकी crop की yield अच्छी आएगी। इसमें कई factors हैं जो ऊपर के hard उसको surface को भी आप अगर manual weeding कर रहे हैं तो जो soil की surface है due to beating action of rain drops compact हो रही soil, उसको आप करोगे इन्फिल्ट्रेशन इज बेटर। दूसरा खरपतवार नियंत्रण होगा, रूट को एडिशन मिलेगा, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो ये इसकी कॉस्ट आपकी लेबर कॉस्ट लगती है 250 रुपए है इसकी अप्रोक्सीमेटली, 200 से 250 कर सकते हैं। नहीं, इंटरकल्चर ऑपरेशन वीडिंग की जो है इसमें कॉस्ट ज्यादा आएगी। अगर आप मैनुअल वीडिंग करें तो 1000 से 1200 रुपीज पर एक्टर आएगी क्योंकि मैन पावर काफी सी है। उसके बाद है प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स। अगर मान लीजिए उसमें कोई इंसेक्ट लग गया, पेस्ट लगा हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपकी कॉस्ट आएगी लगभग 300 से 400 रुपए। और फिर एक हेक्टर क्रॉप को मेच्योर हो गई हार्वेस्टिंग करने के लिए जो मैनुअल लेबर चाहिए उसकी कॉस्ट आएगी करीब 800 रुपए। उसको फिर जो आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा सारे को, तो उसकी कॉस्ट 150 से 200 रुपए। थ्रेसिंग फ्लोर तक लिया है और थ्रेसिंग करने के लिए उसकी कॉस्ट आएगी आपकी 500 रुपए। सुपरविजन एंड मैनेजमेंट चार्जेस, तो आपसे सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जो उसकी निगरानी वॉचिंग करनी है और करना सुपरविजन या जो मैनेजमेंट है उसकी करीब 300 से 400 रुपए आप कर सकते हैं। और रेंटल वैल्यू ऑफ लैंड अगर दूसरे की है तो उसको लगभग 200-250 रुपये निकाल। अब इन सबका टोटल कर लीजिए, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर। फार्मर ने एक्सपेंडिचर किया, अब जो इनकम हुई है, ग्रेन यील्ड कितनी हुई है, स्ट्रा यील्ड कितनी हुई है, उसको जोड़ के इस जो खर्चा हुआ है इसको माइनस कर दीजिए। ये आपकी मेज की बैलेंस शीट और कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन कम्प्लीट हो गई। इस तरह से सॉर्गम की कर लेंगे आप, सीड बेड प्रिपरेशन, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, और ये सारे मतलब प्लस माइनस 150 रुपये नीचे ऊपर होता है और आप इस तरह से मेज भी कर लेंगे। और यहाँ इम्पोर्टेंट क्रॉप नहीं है इस एरिया में आपकी सोयाबीन होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप है पर्लमेंट बाजरा। बाजरे की मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। पर्लमेंट की सीड बेड या फील्ड प्रिपरेशन की कॉस्ट है 350 रुपये लगभग। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, देखिए टोटल रेन फेड क्रॉप है तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की डोज कम करते हैं। रेन फेड है, इरीगेशन शॉर्ट नहीं है, तो एनपीके की डोज भी कम कर देते हैं। और इट डिपेंड्स ऑन फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ दी सॉइल। अगर सॉइल ज्यादा फर्टाइल है तो, और आपके पास इरीगेशन शॉर्ट नहीं है, जब आप मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कम देंगे या 50% देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि नीड ऑफ मॉइस्चर बढ़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली आपके पास इरीगेशन सोर्स नहीं है और क्रिटिकल स्टेज है अगर मॉइस्चर स्टेज की, उस समय उसको पानी नहीं मिलता है, अपटेक इज नॉट पॉसिबल, एंड फायदा ही देगा नुकसान हो जाएगा और ब्रीडिंग इफेक्ट आएगा। इसलिए अगर रेन फेड क्रॉप है तो डोज अपने आप ऑटोमेटिकली कम कर देंगे। डिपेंड करता है फार्मर टू फार्मर, फील्ड टू फील्ड। अगर सॉइल नॉर्मल केस के अंदर आप मैनुअल फर्टिलाइजर 300 से 400 रुपये बाजरे के अंदर कर सकते हैं FIM और NPK की जो डोज है। सिंगल SSP 100 से 150 रुपया, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 150 से 200 रुपया, कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन वही सब लगभग 50 रुपये। और सीड एंड सोइंग कॉस्ट इसमें 300 रुपये। अगर आप कौन सा सीड ले रहे हैं तो इसकी सीड रेट भी बाजरे की कम है, मैक्सिमम है फोर के जी नहीं 2 से 3 किलो, 3 से 4 किलो सफिशेंट है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बाजरे में सोइंग डेप्थ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर गहरा बो दिया आपने तो सीड विल नॉट स्प्राउट नॉट जर्मिनेट। फिर उसके बाद में
cost of sowing, transportation, transplanting, sowing की बिजारती जो है पर एक्चुअली जो कल्टीवेटर से बोते हैं तो 300-400 रुपए पर एक्चुअली आती है। इरीगेशन कॉस्ट अगर आपके पास सोर्स ऑफ इरीगेशन है जब तो शामिल करिए, अदरवाइज नो नीड, डील कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। इंटरकल्चर ऑपरेशन ब्रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको जरूर करना है। और वो बाजरे के लिए बेस्ट सुटेबल टेम्परेचर है 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बेस्ट बाजरे की ग्रोथ को इनहांस करता है और बाजरे की लाइटिंग भी है, लाइट्स और फॉलोज बाई